पीएचई डेली वेजेस ने आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। और उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें जल्द से जल्द पक्का किया जाए, हमारा 70 से 75 महीने का जो पेंडिंग वेतन है वो दिया जाए और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए, क्योंकि एक लंबा संघर्ष जो है वो पीएचई डेली वेजेस कर रहे हैं और आज 300 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इनको लगातार संघर्ष करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों के ऊपर कोई भी गौर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा। और उसी से गुस्साए पीएचई डेली वेजेस ने आज सांबा में एक्सिन ऑफिस में प्रदर्शन किया कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और उस उग्र प्रदर्शन में कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो उसको लेकर जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी। और पीएचई डेली वेजेस ने यह भी कह दिया है कि अब हमारे साथ जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारा साथ देंगी और एक बड़े लेवल पर आने वाले दिनों में हम जो संघर्ष है वो शुरू करने जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अभी गेहूं की कटाई हो रही है तो तमाम जो पीएचई डेली वेजेस हैं वो गेहूं की कटाई में बिजी हैं और जैसे ही ये कटाई खत्म होती है तो उसके बाद एक बार फिर से हुंकार भरी जाएगी। और उसी के साथ साथ डेली वेजेस ने ये भी कहा है कि जिस तरह से सांबा की अगर अपडेट करें तो ये डेली वेजेस जो है ये काफी खफा है, खासतौर पर जो अधिकारी हैं इस विभाग के यानी जल शक्ति विभाग के, कि वक्त पर उनको तनख्वाह जो है सैलरी नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए कि 4 तारीख को सैलरी जो है वो उनको मिलनी चाहिए तो वो 4 के बजाय आखिरी महीने की जो डेट्स हैं तब जाकर मिलती है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत परेशानी जो वो पीएचई डेली वेजेस को जो वो पेश आ रही हैं परिवार चलाने में। कहीं ना कहीं अभी नए सेशन स्कूलों के शुरू हुए हैं, बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा ये जो है वो अफोर्ड नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर लगातार जद्दोजहद पहले से ही की जा रही है कि हमें वक्त पर तनख्वाह मिले और जो हमारा पेंडिंग वेतन है वो भी हमें मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कहता है कि हम वेतन में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इस वृद्धि को लगातार नामंजूर किया जा रहा है पीएचई डेली वेजेस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है, यानी चेतावनी दी है जम्मू कश्मीर प्रशासन को कि जल्द हमारी मांगों को माना जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन आने वाले दिनों में होगा। और उसी के साथ साथ भाजपा को भी यहां से चेतावनी दी जा रही है कि भाजपा ने यह कहा था कि हम पीएचई डेली वेजेस का मसला हल करेंगे, लेकिन कोई मसला भाजपा ने अभी तक हल नहीं किया। जो आश्वासन मिले मात्र आश्वासन ही हमें दिखे, उसकी कोई ग्राउंड रियलिटी कोई पिक्चर हमें जो वो नहीं दिखाई दी सही में। और ये कहा गया था कि एक रिपोर्ट जो वो जल्द बनाई जाएगी, वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, डिलीवरीज के बारे में सोचा जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कोई रिपोर्ट जो वो सामने नहीं आई, कहाँ रिपोर्ट है इसको लेकर कुछ भी जो वो नहीं पता है। इसी को लेकर भाजपा को ये कहा गया कि अगर भाजपा ने भी हमारा साथ नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो चुनावों में जो है भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा, भाजपा को जवाब दिया जाएगा चुनावों में। तो कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर भी गुस्सा पीएचई डेली वेजेस ने जताया और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेतावनी दी कि हमारी मांगे जिसमें मुख्य तौर पर कि हमें पक्का किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए और 70 से 75 महीने का वेतन दिया जाए, अगर ये मांगे प्रशासन ने नहीं मानी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसमें कोई मिस हैपनिंग होगी तो उसमें जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लेकिन एक लंबा संघर्ष पीएचई डेली वेजेस कर रहे हैं, लाठियां भी बरसाई गई इनके ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की गई, लेकिन जो ये संघर्ष लड़ रहे हैं इनमें पीएचई डेली वेजेस साफ तौर पर कहना है कि हम अपने इस संघर्ष में जीत हासिल करके रहेंगे, हमें किस भी हद को पार करना पड़े तो हम ये हद पार करेंगे। तो आज भी ये जो लंबित मांग है ये यूं के त्यों है पीएचई डेली वेजेस की, जिसको लेकर आज सांबा में इन्होंने एक्सिन ऑफिस में प्रदर्शन किया। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।
पहले मैं जेके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे गरीब डेली वेजर की आवाज़ को बुलंद करते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। हम आज 311 दिन हो गए हमें हड़ताल पे बैठे हुए और सरकार सोई हुई है, नींद से बिल्कुल नहीं जाग रही है। इसको जगाने के लिए आज हमने छोटा सा प्रदर्शन रखा हुआ है, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है। गेहूं की कटाई जब भी खत्म होगी हम एक बड़ा संघर्ष करने के लिए जा रहे हैं। 10 तारीख को हमारी सेंटर बॉडी का हुक्म आया है, 10 तारीख को हमारे जितने भी मेंबर हैं जो ये काम देख रहे हैं, जो स्ट्राइक को चला रहे हैं, उनकी बड़ी मीटिंग होगी और आने वाला जो प्रोग्राम होगा वो 10 तारीख को हम आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे हम बड़ा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। और हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना आने वाले जो समय होगा उसके हालात की जिम्मेदारी आपकी होगी। और आज हमारा दूसरा प्रोग्राम ये रखा हुआ था कि हमें टाइम पर हमें सैलरी नहीं मिलती है, हमारी सैलरी 4 तारीख को आती है, मिलती 30 तारीख को है। हम सर इनको बताना चाहते हैं कि हमारी सैलरी हमें टाइम पर दे दीजिए। और एक्शन साहब आज इधर नहीं थे, टीओ साहब से हमारी बात हुई है, टीओ साहब ने बोला कि आपको टाइम पर सैलरी दे दीजिए, आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं, देखते हैं जी क्या करते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो 10 तारीख को हम आपको बता देंगे कि कहां पर बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। वो प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें यूनाइट होगा सभी जितने भी शिवसेना राजपूत सभा जितनी भी हैं, जितनी भी सभा में उनको किट्ठे कर हम एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और एक ऐसा जन सलाह बनाएंगे कि इसके पर सरकार को झुकने का झुकेगी बिल्कुल झुकेगी। 113 दिन हो गए हमें हड़ताल पे बैठे हुए, सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। बार बार हमने प्रदर्शन किए, आश्वासन दिए गए, पर इन सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है। और सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि आने वाले 10 तारीख को हमारा सेंटर बॉडी का हुक्म आया हुआ है कि 10 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है और उसके बाद हमारा बड़ा प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में जितने भी नॉन पॉलिटिकल संस्थाएं हैं वो सभी वहां पर इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म पर होकर हम एक बड़ा जन सलाह होने के लिए जा रहा है। और सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि उससे पहले हमें जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। दूसरी बात, हम आज सांबा एक्शन के पास आए हुए थे, हमारे सैलरी का इश्यू था, हमारी सैलरी 4 तारीख को आती है वो 30 तारीख को मिलती है, तो हम जानना चाहते हैं वो 30 तारीख को कैसे मिलती है, 4 तारीख आता कितने दिन लगते हैं, महीना लग जाता है हमारी सैलरी को निकालते, दूसरे महीने में फिर सैलरी आती है, फिर महीने बाद, मतलब एक महीने में दो महीने की आती है, समझो एक महीना 9,000 रुपये सैलरी आई है, समझो हमें 2 महीने में मिली है। ये हमारे लिए विश्वासघात कर रहे हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। और हमने आज एक्शन साहब जहां पे नहीं थे, टीओ साहब से हमारी बात हो गई है, फिर उसके एक्शन साहब से भी हमारी बात हो गई थी फोन पर, उन्होंने बोला आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप जाइए आपका काम हो जाएगा। हम उसके लिए भी आए थे। और दूसरा संदेश हम यही देना चाहते हैं कि LG साहब जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, एक बड़ा बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है, उसके बाद आपको संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। जय हिंद।